पीपल आई होप कि सब बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको नर्स की जॉब मिल सकती है वो भी चेक रिपब्लिक कंट्री में चेक रिपब्लिक एक बहुत ही अच्छी शेंगन कंट्री है एंड जो प्राग है वो इनकी कैपिटल सिटी है आज के टाइम में चेक रिपब्लिक कंट्री में करीब करीब चार हज़ार नर्सिंग की जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं एंड जिसकी वजह से जो चेक रिपब्लिक की जो सरकार है वो जो फॉरेन नर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा नंबर्स में हायर कर रही है तो हमारे भारत की जो नर्सेज हैं जिनको एक्सपीरियंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक मौका है कि अगर आपको जॉब करनी है अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप चेक रिपब्लिक में भी आ सकते हैं एंड एज अ नर्स आप जॉब कर सकते हैं एंड मैं आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से प्रोसेस बताऊंगा जॉब पाने का क्या प्रोसेस है एंड आपको कितनी सैलरी वहाँ पर हर महीने मिल सकती है एंड जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी होगी एंड साथ में मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कि कैसे आपको आसानी से नर्स की जॉब मिल सकती है कैसे आप ढूंढ सकते हैं तो सारा मैं ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आपको किसी की भी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद से भी कर सकते हो बट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारी भी हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं एंड हम आपको नर्स की जॉब दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं नर्सिंग का आपको शेंगर uh, वीज़ा दिला सकते हैं आपको स्पॉस वीज़ा भी दिला सकते हैं चेक रिपब्लिक का तो हम बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछिए हम आपको रिप्लाई करेंगे इंस्टाग्राम पर और साथ में अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम डेली ऐसी नर्सिंग की जॉब्स को लेकर वीडियोज़ बनाते रहते हैं तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो नाउ वीडियो गेट स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं चेक रिपब्लिक कंट्री के बारे में ताकि उससे आपको काफ़ी और भी नॉलेज मिलेगी तो जो चेक रिपब्लिक कंट्री है वो दुनिया की एक अच्छी कंट्री में गिनी जाती है एंड साथ में चेक रिपब्लिक का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं एंड जो आज के टाइम में जो इनकी पॉपुलेशन है चेक रिपब्लिक की वो है करीब करीब एक करोड़ सात लाख एक करोड़ सात लाख इनकी टोटल पॉपुलेशन है तो आज के टाइम में जैसे मैंने बताया था कि चेक रिपब्लिक में सब कुछ बहुत अच्छा है बट अगर हम मेडिकल सिस्टम की बात करें तो मेडिकल सिस्टम की जो चेक रिपब्लिक है उनकी जो हालत है वो काफ़ी अच्छी नहीं है उनकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है मेडिकल सिस्टम की एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि इस टाइम एट परजेंट चेक रिपब्लिक कंट्री में चार हज़ार नर्सेज की जॉब खाली पड़ी है बट उनको एक्सपीरियंस स्किल नर्सेस नहीं मिल पा रही एंड साथ में एक ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है आज के टाइम में एक ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कि अगर हम 2025 की बात करें तो करीब करीब उन्नीस हज़ार जॉब्स खाली होने वाली हैं चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि अभी भी जॉब्स खाली पड़ी है नर्सेज की एंड आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जॉब्स खाली हो जाएंगी एंड जो ये जॉब्स खाली हो रही हैं इनको नई नर्सेस नहीं मिली इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के टाइम में जो नर्सेज हैं वो ओल्ड एज की वजह से रिटायर होने वाली हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नंबर्स में वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं बट इनको नर्सेज नहीं मिल पा रही तो ये ये पूरी की पूरी इस टाइम सिचुएशन है तो मैंने इसलिए बताया है कि सब कुछ अच्छा है बट मेडिकल सिस्टम की हालत यहाँ पर ठीक नहीं है तो अब हो क्या रहा है कि जो चेक रिपब्लिक की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है एंड वो मेक श्योर sure कर रहे हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज मिले ताकि जो उनके नागरिक हैं उनका ध्यान रखा जा सके एंड जिनकी हालत ख़राब है उनकी जान को बचाया जा सके तो ये पूरी सिचुएशन आपको समझाने का मकसद यही था कि ये कितना अच्छा मौका है हमारे भारत के नर्सेज के पास कि भाई अगर आपको जॉब चाहिए इंडिया में अगर आप आप खुश नहीं हो अगर आपको बाहर जाना है आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप चेक रिपब्लिक शेंगन कंट्री को ईज़िली चूज़ कर सकते हो अपनी जॉब के लिए एंड जॉब अप्लाई करके आप आसानी से चेक रिपब्लिक आ सकते हो बिकॉज इनको जो इनको नर्सिस की ज़रूरत है एंड आपको जॉब की ज़रूरत है एंड अच्छी सैलरी की ज़रूरत है अभी बिक्यूज हमारे इंडियन नर्सिस का यही सबसे बड़ा रहता है कि उनको अच्छी सैलरी मिले अच्छी कंडीशन मिले तो चेक रिपब्लिक में आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं एंड ये शेंगन कंट्री है तो इसके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि भाई जो चेक रिपब्लिक जो कंट्री है उसकी जो सैलरी है एज अ नर्स आप आओगे तो वो ज़्यादा सैलरी होती है इंडियन करेंसी इंडियन सैलरी के मुकाबले एंड साथ में आपको फैमिली वीज़ा भी आसानी से यहाँ पर मिल सकता है ताकि अगर आपकी फैमिली है हस्बैंड है हस्बैंड वाइफ है स्पाउस है या चाइल्ड है तो उनको भी बुलाया जा सकता है इसके साथ साथ जो वर्किंग की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती है एक्स्ट्रा काम का लोड नहीं होता अगर काम ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा बट उसके पैसे भी आपको मिलेंगे तो कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं होता एंड साथ में जैसा आप काम करते रहते हो तो आपको पी भी मिल जाता है यहाँ पर चेक रिपब्लिक कंट्री में पी एक बार आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपका नागरिकता का सिटीजनशिप का रास्ता भी ओपन हो जाता है तो वो भी आप बन नागरिकता भी आपको मिल सकती है एंड एट द लास्ट शेंगन वीज़ा आपको मिलता है बिकॉज ये शेंगन कंट्री है तो ऑब्वियसली आपको 27 कंट्रीज़ का वीज़ा भी मिलेगा ताकि आप टाइम टाइम पर विजिट भी कर सकते हो रह भी सकते हो वहाँ पर एंड इवन अपने और भी जो प्लान्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हो तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मौका है हमारे नर्सेज के पास अगर आप मूव होना चाहते हो आज के टाइम में किसी अच्छी कंट्री में तो आँख बंद करके आप चेक रिपब्लिक को चूज़ कर सकते हो एंड चेक रिपब्लिक में आने के बाद ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा इसके आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी यू विल बी इंजॉयंग थर्डली एंड आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे भी मिलेंगे तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है डोंट वेस्ट टाइम अप्लाई एंड दैट्स हाउ यू कैन कम इजीली टू चेक रिपब्लिक सो कीप इन माइंड सो नाउ अब बात करते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आप, आपने कोई नर्सिंग की पढ़ाई की हो बिकॉज नर्सिंग की पढ़ाई अगर आप का, काम अगर आप नर्सिंग की पढ़ाई करो तो ऑब्वियसली फिर आपको नॉलेज मिलती है कि एज ए नर्स आपको क्या क्या जिम्मेदारी होती है क्या क्या आपको काम करने होते हैं तो अगर आपने भारत के अंदर जनरल मिडवाइफरी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की है जी एन एम या आपने बी एस सी नर्सिंग की है पोस्ट बी एस सी की है एम एस सी नर्सिंग की है तो अगर आपने ये डिग्री आपके पास कोई सी भी आपके पास है तो आप एलिजिबल बन जाते हो नर्स की जॉब करने के लिए चेक रिपब्लिक में तो इसका आपको ध्यान रखना है एंड जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप जो पढ़ाई कर लेते हो अगर आप इंडिया में काम करते हो तो उससे बाहर की जो सरकार होती है उनको यकीन हो जाता है कि नाउ यू कैन परफॉर्म नर्स जॉब्स परफेक्टली एंड उससे जो नागरिक है उनकी ज़िंदगी को कोई भी नुकसान नहीं होगा एंड आप इजीली उनकी लाइफ बचा सकते हो तो अगर आपके पास एक साल का होगा कि एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए फॉरेन कंट्री में तो चेक रिपब्लिक में एक साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर उससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो ये और भी अच्छी बात होती है क्योंकि एक्सपीरियंस से और भी ज़्यादा उनको ट्रस्ट होता है कि येस यू कैन डू एवरी तो या ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये आपको ध्यान रखना है एंड साथ में डॉक्यूमेंट्स को तैयार भी करना पड़ता है बहुत सारे इसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड उनको अटैच भी कराना पड़ता है उनको रेकगनाइज भी कराना पड़ता है तो वो प्रोसेस भी आपको फॉलो करना पड़ता है तो ओवरऑल देखा जाए तो यही मोरलेस रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब पाने के लिए तो इन रिक्वायरमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है सुनाओ so आप बात करते हैं कि कैसे आपको जॉब मिल सकती है बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको सब कुछ पता चल गया तो ये भी पता चलना चाहिए कि अब जॉब मिलेगी कैसे तो इसलिए मैं आपको आज क्या करता हूँ कि आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ एंड बहुत सारी जॉब्स मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको घर बैठे मिल सकती है तो आपको कुछ नहीं करना जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊँगा बस आपको वही फॉलो करना है एंड उसके बाद होपफुली आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी सो सुनाओ लेट मी शो यू जॉब्स ऑनलाइन सुनाओ so आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर यह बहुत ही फेमस वेबसाइट जॉब्स चेक रिपब्लिक एंड ये यहाँ पर आप अपनी नर्स की जॉब इजीली ढूंढ सकते हो आपको मिल जाएगी आप अप्लाई करके आपको मिल सकती है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब है यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल रिव्यू नर्स यानी कि नर्स की आपके लिए जॉब है एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हो International SOS is the world's leading medical and security service company operating in 90 countries with over 12,000 dedicated employees. कहने का मतलब यह है कि International SOS ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्स की जॉब आपको प्रोवाइड करता है तो इसमें आप जॉब ले सकते हैं आगे लिखा है जॉब ऑफर आर यू एन एक्सपीरियंस क्लिनिकल नर्स लुकिंग फॉर अ न्यू वे टू अप्लाई योर नॉलेज एंड स्किल सेट्स यानी कि अगर आप नर्स हो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप इस जॉब को ईजिली ग्रैप कर सकते हो इस यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आप खुद से भी पढ़ सकते हो मैं इसका लिंक डाल दूंगा जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर सीकिंग यानी ये किन नर्सेस को ढूंढ रहे हैं तो यहां पर लिखा है टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल यू शुड प्रजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन यानी कि यह क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए मिनिमम ऑफ टू ईर्स ऑफ बैट साइड क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंस प्रफ़रेबली इन एन अक्ूट केयर इन्वायरमेंट यानी कि दो साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेलेंट रिटर्न एंड ओरल प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपके पास है अगर आप बोलते हो अगर तो आपको ये जॉब ईजिली मिल सकती है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एंड मेन जो चीज़ आपको और भी देखनी जो आपको जानना चाहिए वही है वॉट वी ऑफ़र यानी कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा इंपैक्टफुल इंप्लॉयमेंट विद अ डायवर्स इंटरनेशनल कंपनी यानी कि इंटरनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी आपको यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग डेट ऑप्शन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी कि ये जो जॉब है दो हज़ार तेईस में स्टार्ट होने वाली है आगे लगा लिखा हुआ है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ कम्पैटिटिव सैलरी यानी कि आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी तो ये प्राग में लिखा है मॉडर्न ऑफिस लोकेटेड इन द हार्ट्स ऑफ प्राग प्राग एक कैपिटल है चेक रिपब्लिक की तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी तो बहुत ही अच्छी जॉब है इसको आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर अप्लाई करके आप सीधा आपको ये सीधा जॉब के लिए आपको इनका ई आएगा एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप अपना नाम सरनेम डालोगे ई मेल डालोगे कब से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने बारे में सैलरी के बारे में लिख सकते हो तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पर अपना सीवी अपलोड कर सकते हो एंड उसके बाद कवर लेटर भी डाल सकते हो यहाँ पे क्लिक करके कंसेंट दे सकते हो एंड साथ में सेंड कर सकते हो जैसे आप सेंड करोगे ये आपके ई मेल पर आपको ई भेजेंगे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है तो ऐसे आपको जॉब मिल जाएगी ईजिली सो तो इस पूरे प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है सुनाओ आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ दिखा दिया है तो आपको यही जॉब पाने का प्रोसेस फॉलो करना है एंड अगर आप फॉलो करोगे तो उसके बाद आपको जॉब मिलना है बहुत आसान हो जाएगा और बाकी की चीजें मैंने आपको बता दिया कि इनको बहुत ज्यादा नीड है एंड बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बहुत आसान होता है जस्ट एक बार आप आओगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड अगर आपको को दिक्कत कोई दिक्कत आती है कोई गाइडेंस चाहिए एडवाइस चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं फॉरन कंट्री में नर्स की जॉब दिलाने में आपको अच्छे से वीज़ा भी दिला सकते हैं वर्क वीज़ा आपको शेंगिंग वीज़ा भी दिला सकते हैं आपको आ, फैमिली वीज़ा भी दिला सकते हैं तो आपकी हर चीज़ में हर वीज़ा दिलाने में जॉब दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड साथ में अगर आपको कोई सवाल भी पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का जो ये अकाउंट है उसको हमेशा फॉलो कीजिए बिकॉज़ यहाँ पर आप हम आप हमसे सवाल पूछेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिलते रहे तो इसको फॉलो करना जरूरी है एंड हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली ऐसी नर्स की जॉब्स की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी सो थैंक यू सो मच हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का ध्यान रखिए अपना बेस्ट ऑफ लक